welcome to my class in standard 4 English 2. We were doing the revision test. In revision test, we were doing the question number 4. Question number 4 was incomplete. So, let's continue from sentence number 7. Okay? Till the sentence number 6, we have done. Now let's continue from sentence number 7. In this question, question number 4, choose the correct verb. Okay? So verb hai, wo iske according hum use karte hain subject ke according. Agar subject hai wo singular number mein hai, to uske saath jo verb aayega, wo uske according hi aayega, yani ki singular number mein hi aayega. Aur agar subject mein jo noun hai, wo plural number mein hai, to उसके साथ जो वर्ब यूज होगा वो भी प्लूरल नंबर में ही यूज होगा. सो सिक्स नंबर तक हमने कंप्लीट कर लिया था. क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 की इंस्ट्रक्शन ऑलरेडी आपने लिखी हुई है. डायरेक्टली आपको जहां स्टॉप किया है वहां से आपको लिखना स्टार्ट कर देना है. तो फ्रेंड्स ऑफ माई ब्रदर, always ready to help me. Bracket में है is and are. तो of को of के बाद का जो नाम है वो नहीं देखना है. of के आगे कौन सा नाम है वो हमें देखना है. यहाँ पे my brother है वो singular है, लेकिन हमें my brother के according verb use नहीं करना है. हमें of के आगे जो है noun the friends है वो plural number में है. तो plural हो तो is आता है कि are आता है, क्या आएगा are आएगा. The friends of my brother, मेरे ब्रदर के friends, ना friends तो बहुत सारे हैं. How many children dash see got? चिल्ड्रन के अकॉर्डिंग वर्ब नहीं लिखना है, सी के अकॉर्डिंग. सी है वो सिंगुलर प्रोनाउन है, इसीलिए वो सी बोल जाएगा. ओके, liked by the enemies. Goes or where? इसमें क्या आएगा? One of the soldiers. Soldiers है वो plural है, लेकिन soldiers में से one यानी क्या हो गया? एक सिंगुलर हो गया. सो वन ऑफ द सोल्जर, सोल्जर्स में से एक ही, एक ही सोल्जर. ओके, सो एक सोल्जर यानी सिंगुलर नाउन. सो वी विल राइट वोज. विच ऑफ दीज माउंट्स the shortest?
मंथ्स ब्लेंड द सो टेस्ट। तो सभी मंथ्स में से सो टेस्ट यानी सब एक ही, सभी में से कोई एक ही सो टेस्ट हो सकता है ना, कोई एक है वो सो टेस्ट है, एक यानी सिंगुलर यहाँ पे आएगा इज। सभी मंथ में से कौन सा जो है वो सबसे एक एक मंथ ऐसा कौन सा है जो सबसे शॉर्ट है, तो यहाँ पे इज आएगा। विच ऑफ दीज मंथ्स इज द शॉर्टेस्ट। ओके, सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 इज कंप्लीटेड। नाउ कंप्लीटली अपनी बुक में लिख लो। Let's do the question number 5. Do as directed. जैसे इंस्ट्रक्शन आपको दी गई है उसको फॉलो करके फिर से सेंटेंसेस से वो लिखने हैं, यानी डू एज डायरेक्टेड, जैसे डायरेक्ट किया गया है वैसे करो। पहला सेंटेंस है सीता इज डांसिंग ऑन द स्टेज। सीता इज डांसिंग ऑन द स्टेज चेंज टू सिंपल प्रेजेंट। ब्रैकेट में आपको बोला गया है चेंज प्रेजेंट। अब यहां पे आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस चेंज करने को बोला है, तो टेंस हमने ऑलरेडी लर्न कर लिए हैं, तो सभी टेंस के आपको वर्ब याद कर लेते हैं। सबसे पहले ये जो सेंटेंस दिया गया है उसके वर्ब कौन से हैं वो फाइंड आउट करो। तो यहाँ पे वर्ब कौन से हैं, इज डांसिंग। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस में कौन से वर्ब यूज होते हैं, तो बेस वर्ब यूज होता है या तो फिर एस ई एस वाला वर्ब है वो यूज होता है। ओके, जैसे कि गो है तो गो यूज होगा, और सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन है तो उसमें हमें एस ई एस एंड करके गोज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको वर्ब कौन सा दिया, देखो सिंपल प्रेजेंट टेंस में वर्ब आप देखोगे तो बेस वर्ब या तो फिर एसईएस वाला वर्ब है, इसमें कोई भी हेल्पिंग वर्ब ऐड नहीं करना है, लेकिन इसमें तो हेल्पिंग वर्ब है इज, तो क्या करना है इसको हटा देना है। अब बचा गया डांसिंग। डांसिंग का बेस वर्ब क्या होता है, डांस होता है ना, आपको आईएनजी वाला फॉर्म निकाल के बेस वर्ब देखना है, बेस वर्ब कौन सा है इसमें, डांस है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमें बेस वर्ब चाहिए या तो हमें एसईएस वाला वर्ब चाहिए। अब आपको बेस वर्ब मिल गया, अब इसमें एस या ईएस ऐड करना है कि नहीं करना है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है, सब्जेक्ट के ऊपर। तो सब्जेक्ट इज सीता, सीता है वो सिंगुलर नाउन है, इसीलिए इसमें एस या ईएस ऐड होगा। डांस में हम एस विल बी सीता डांसेस ऑन
the stage. Is dancing का क्या हो गया? Dances. Okay. Second is I slept well last night. Bracket में है change to past continuous. पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज करना है. सबसे पहले ये सेंटेंस में वर्ब कौन से हैं? स्लेप्ट. स्लेप्ट के वो स्लीप का पास्ट फॉर्म है. सिर्फ पास्ट फॉर्म है, यानी ये सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है. इसमें से हमें पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज करना है. अब पास्ट कंटिन्यूअस में क्या चाहिए वर्ब हमें? वाज, वेयर प्लस वर्ब आई एन जी चाहिए. क्या चाहिए? पास्ट कंटिन्यूअस के वर्ब में हमें क्या चाहिए? वाज, वेयर प्लस वर्ब आई एन जी. अब वाज और वेयर इसके साथ हो जाएगा, वे रहेगा सिंगुलर हो सब्जेक्ट तो हो जाएगा, अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो तो वे रहेगा. तो आई है, आई के साथ क्या आता है? वाज आता है, वो हो गया. उसके साथ हमें क्या चाहिए? वर्ब आई एन जी, वर्ब का आई एन जी वाला फॉर्म. तो यहाँ पे जो स्लेप्ट है वो तो पास्ट फॉर्म है, उसमें हम आई एन जी एड नहीं कर सकते. सबसे पहले जो पास्ट फॉर्म है उसका हमें क्या चाहिए? बेस वर्ब चाहिए. यानी कि स्लेप्ट का हमने बेस वर्ब कौन सा किया? स्लीप. अब स्लीप में हम आई एन जी एड करेंगे तो क्या हो जाएगा? स्लीपिंग. आई के साथ वॉज और स्लीपिंग, यानी कि स्लेप्ट में से क्या हो जाएगा? वॉज स्लीपिंग. तो आंसर क्या आएगा? Next sentence is I am trying to finish my homework. सिंपल फ्यूचर के आपको वर्ब देखने हैं तो सिंपल फ्यूचर के वर्ब क्या होते हैं? तो शैल बी प्लस बेस वर्ब. ओके, हमें शैल बी और बेस वर्ब करना है. किसका? तो यहाँ पे जो वर्ब लिया है एम ट्राइंग का. एम ट्राइंग का हमें वो सॉरी शैल बी या तो फिर सेल्विल प्लस बेस वर्ब करना है. आई है, आई तो वैसे ही रहेगा. अब एम है उसकी जगह पे सेल्विल हो जाएगा. आई के साथ क्या आएगा? सेल आएगा. अब हमें बेस वर्ब चाहिए, यानी कि यहाँ पे आईएनजी वाला फॉर्म है वो फॉर्म कोई भी नहीं चाहिए. उसका मेन वर्ब कौन सा है? ट्राई. ट्राइंग में से हमें सिर्फ ट्राई लेना है. ओके, तो आई सेल ट्राई ये दूसरा सब कुछ है, उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं करना है. सिर्फ और सिर्फ हमें वर्ब में ही चेंज करने हैं. एम ट्राइंग का क्या हो गया? सेल ट्राई. सिंपल फ्यूचर हो गया. दूसरा ऐसे ही रहेगा माय होमवर्क. सो राइट दिस सेंटेंसेस इन योर बुक.
The tune was ringing the bell. इसमें आपको क्या करना है तो चेंज टू पास्ट परफेक्ट. आपको यहाँ पे पास्ट परफेक्ट में चेंज करना है. ये जो सेंटेंस है वो कौन से टेंस का है, इसके जो वर्ब है वो देखिए, गोज प्लस वर्ब बाय लीजिए. गोज प्लस वर्ब बाय लीजिए वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का है. इसमें से हमें पास्ट कंटिन्यूअस में से पास्ट परफेक्ट में चेंज करना है तो पास्ट परफेक्ट के वर्ब आपको पता होना चाहिए. तो क्या होते हैं पास्ट परफेक्ट की वर्ब, तो हैड प्लस पास्ट पार्टिसिपल. हेड प्लस पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब. यहाँ पे रिंग है तो हमें रिंग का हमें पास्ट पार्टिसिपल करना है. रिंग का पास्ट पार्टिसिपल क्या होगा, आर यू एन जी रंग. और वोज का हमें क्या कर देना है, हेड. बस इतना ही चेंजेस करना है, बाकी सब कुछ वैसे का वैसा ही रहेगा. वोज रिंगिंग में से हेड रंग हो जाएगा. तो सेंटेंस पूरा लिखते हैं हम. The peon had rung the bell. Full stop. The pain is going worse. Passengers are waiting for the train. इसमें आपको चेंज करना है फ्यूचर कंटिन्यूअस. फ्यूचर कंटिन्यूअस में चेंज करना है. यहाँ पे वर्ब है आर वेटिंग. प्रेजेंट कंटिन्यूअस के हैं, इसमें से आपको फ्यूचर कंटिन्यूअस में चेंज करना है. तो फ्यूचर कंटिन्यूअस के टेंस वर्ब कौन से हैं, शैल विल तो आता ही है. शैल विल प्लस बीइंग और जो बेस वर्ब है
सेल्फ और बी वेटिंग आए हैं यहाँ पे सेल्फ बी विल बी प्लस आई जी है वो वर्ब में लगेगा सॉरी बिगिंग नहीं आएगा सिर्फ बी आएगा आई जी है वो जो वर्ब है यानी कि वेटिंग का वेटिंग ही रहेगा यहाँ पे क्योंकि आई जी फॉर्म चाहिए। अब हमें आर की जगह पे सेल्फ बी या विल बी करना पड़ेगा तो पैसेंजर्स के साथ क्या आएगा विल बी आएगा आई या वी हो तो ही हमें सेल यूज करना है सो पैसेंजर्स विल बी वेटिंग फॉर द ट्रेन ओके सो राइट दिस सेंटेंस